नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी नाना पटोले ने अपने गृह क्षेत्र में आज सुबह भेंटकर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और अपने भगवान से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि नाना पटोले कांग्रेस के कद्दावर नेता है। वे कांग्रेस के किसान आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से भंडारा से लड़े थे, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल पटेल को हरा कर चुनाव जीते थे। लेकिन बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनुभव होने से नाना पटोले ने सांसद पद का इस्तीफा देकर वे कांग्रेस से शामिल हो चुके थे। अब 2019 के लोकसभा चुनाव नाना पटोले नागपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। नागपुर के विद्यमान भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ नाना पटोले का मुकाबला होने से यह देशवासियों का नजर लगी हुई है। नागपुर के साथ साथ सभी सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों की भारी जीत के लिए नाना पटोले ने शनिवार को सुबह पहले लाखनदू तहसील के चार भट्टी मंदिर में हनुमान की पूजा की, पेशाब डिगोरी बड़ी के जागृत हनुमान मंदिर में जाकर अर्चना की। नाना पटोले के ग्राम सुकड़ी की ग्राम देवता गोपी बाबा के समाधि पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर चादर चढ़ाई और जीत का आशीर्वाद लिया। नाना पटोले ने जैसे सुकड़ी ग्राम में प्रवेश करते ही गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों ने बड़े जल्लोष के साथ स्वागत किया। हर घर के सामने महिलाओं ने हाथ में आरती लेकर ओशवंत किया गया। मानो ऐसे लग रहा कि नाना पटोले चुनाव जीत कर पहली अपनी गाँव आए थे। नाना पटोले की उम्मीदवारी को लेकर उनके गृह क्षेत्र में भारी खुशी है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। बोलो कौन सुतनमान की जय।
चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।